जी नमस्कार किसान भाइयों, मैं हूं कमल चौधरी और आप देख रहे हैं कृषि एडवाइस चैनल। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। किसान भाइयों, आज वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए हम कभी भी हमारा किसान भाई ये महसूस नहीं कर पाता है कि बोलगा टेक्नोलॉजी होने के बावजूद भी हमारे यहाँ गुलाबी इल्ली का अटैक बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो उसकी आक्रमण और पहचान के बारे में हमने पूर्व में वीडियो अपलोड किया था और उसमें कैसे कैसे उसका पहचान कर सकते हैं और कैसा अटैक करता है, और दूसरा एक सस्ता सरल सुंदर टिकाऊ और उपाय है, और वह है हमारा फेरोमोन ट्रैप, जिससे कि हमारे यहाँ पिंक बाल वर्म का अटैक हुआ है, आक्रमण हुआ है, कैसा उसका प्रभाव है वो उसके बारे में हम आसानी से महसूस कर सकते हैं, जान सकते हैं कि हमारे यहाँ आप पिंक बॉल वर्म का अटैक हो चुका है और इसके लिए हमको कंट्रोल मेजर्स अपनाने चाहिए। किसान भाइयों, फेरोमोन ट्रैप ये है हमारे सामने और हम आपको इसको इंस्टॉल करके बताएंगे। यह फेरोमोन ट्रैप आज की स्थिति में हमारे जो विक्रेता है या कृषि विभाग है, कृषि विज्ञान केंद्र है, सभी पर आसानी से उपलब्ध हो जाता है और हमारे कपास की फसल को पिंक बाल वर्म से हम सुरक्षित रख सकते हैं और इसका अटैक कैसे होता है उसके बारे में हम जान सकते हैं। इसमें यह ढक्कन रहता है और इस ढक्कन में यह फनल टाइप का एक रहता है जार, और उसके नीचे ये पॉलीथीन जुड़ी हुई है और पॉलीथीन नीचे से पूरी पैक है। किसान भाइयों, इसमें इंस्टॉल करने के लिए फेरोमोन ट्रैप में इस मुख्य इसमें जो पिंक बॉल वर्म का मादा है उसका फेरोमोन सेक्स फेरोमोन्स रहता है, जो कि पिंक बॉल वर्म के नर प्रोड को अट्रैक्ट या आकर्षित करने का काम करता है। जब हमारा किसान भाई खेत में इसको इंस्टॉल करता है, लगाता है, यह प्रति एकड़ 4 से 5 फेरोमोन ट्रैप अपने कपास के बीच में लगाना चाहिए। तो किसान भाइयों, यदि आपने फेरोमोन ट्रैप लगा लिए 4 से 5 प्रति एकड़ में और ये फेरोमोन ट्रैप में यदि गुलाबी इल्ली का प्रोड यदि एक दो यदि संख्या में यदि दिखने लग जाए तो ये समझ लीजिए कि आपके खेत में गुलाबी इल्ली का आक्रमण हो चुका है और आपको उसके लिए कंट्रोल मेजर्स अपनाने ही पड़ेंगे। तो किसान भाइयों, इसको हम इंस्टॉल करते हैं कि इनमें कौन कौन सी चीज़ें आती है उनको हम देखेंगे। ये पाउच है, इस पैकेट में फेरोमोन्स है और उस फेरोमोन्स को सेप्टा के नाम से जाना जाता है या ल्यूर के नाम से जाना जाता है या तो कैप्सूल के नाम से जाना जाता है। इसमें एक भिनी भिनी सी स्मेल आती है और उस स्मेल से आकर्षित होकर पिंक बॉल वर्म का नर प्रोड खींचा चला आता है और इस फनल में आकर अंदर घुस जाता है। अब जब वे अंदर हो जाता है तो फनल से बाहर आना उसका मुश्किल हो जाता है और वहीं पर रहता है अंदर, और किसान भाई उसको जब सुबह जाता है तो आसानी से जज कर सकता है कि इस फेरोमोन ट्रैप में नर के प्रोड आ चुके हैं। तो हम इसमें अब केमिकल छिड़काव करेंगे। किसान भाइयों, इसमें इस सेप्टा को लगाने के लिए ऊपर की प्लेट में जगह दी हुई है। इस ल्यूर को या सेप्टा को ऐसे फिट कर दिया जाता है और इस फनल को इसको पैक कर दिया जाता है, और ये आप देख रहे हैं ये बांस को बांधने के लिए कंपनी ने प्रावधान इसमें दिया हुआ है, और आप बीच में देख सकते हैं कि फनल और प्लेट के बीच में आधा इंच का गैप है, और जो खुशबू बाहर जाएगी वातावरण में तो पिंक बॉल वर्म का नर प्रोड खिंचा चला आएगा। तो किसान भाइयों, हमने फेरोमोन ट्रैप का इंस्टॉलेशन कर दिया है और इसको हम
हमारी जो फसल रहती है कपास की हाइट रहती है उससे करीबन 1 फीट ऊपर लिया जाता है। तो किसान भाइयों अपने खेत में सेक्स फेरोमोन ट्रैप का उपयोग करो और अपने यहाँ गुलाबी इल्ली का अटैक है कि नहीं है उसके बारे में आप जान सकते हैं और आपकी फसल को सुरक्षित रख सकते हैं। इसी के साथ में आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय किसान।